Hello students, today I am going to explain about factor analysis. This factor analysis is important part in advanced statistics. This factor analysis is also called the technique of data reduction. Factor analysis is a unique multivariate approach. So factor analysis is a complex algebraic method for determining the general dimension or general factor. This factor analysis is classified as मल्टीवेरिएट कोवेरिएंस एनालिसिस टेक्निक। यदि हम थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री की बात करें तो द कॉन्सेप्ट लेटेंट फैक्टर इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय गाल्टन। देयर आफ्टर स्पीयरमैन वाज फर्स्ट पर्सन हु हैड यूज द फैक्टर एनालिसिस इन हिज फेमस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस which is called two factor theory of intelligence. First factor is general factor and second factor is specific factor. उन्होंने ऐसा notice किया कि जब हम intelligence test को करते हैं, देखते हैं उसमें, तो उसके correlational जो analysis है, उसके एक specific pattern हमको देखने में मिलता है. इस specific pattern को उसने पहचाना और एक सिस्टमेटिक पैटर्न मिलता है. इस सिस्टमेटिक पैटर्न में दो फैक्टर मिलते हैं और अपने ग्रुप के साथ वे हाईली कोरिलेटेड होते हैं. एक को उन्होंने जनरल फैक्टर कहा और दूसरे को उसने स्पेसिफिक इंटेलिजेंस फैक्टर कहा. ही सेड दैट देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन इंटेलिजेंस टेस्ट सच एज वर्बल न्यूमेरिकल एब्स्ट्रैक्ट. देयर आर सो मेनी बट हाउ वी असेस द अंडरलाइंग फैक्टर. How will we know the nature of the test? इसको जानने के लिए उन्होंने factor analysis method अपनाया. First, इसको मैं आपको screen पर दिखा रहा हूँ कि उन्होंने correlational जो उनका pattern मिला था specific pattern उसी के आधार पर factor analysis को उन्होंने describe किया. ये देखिए मैं main screen पर आपको दिखा रहा हूँ. There are two underlying factor in this test which are highly correlated. एक क्लस्टर ए है और एक क्लस्टर आपका ए है. ए आपके दो क्लस्टर है. एक फर्स्ट क्लस्टर ए है और सेकंड क्लस्टर ए है. दोनों का देखिए दोनों के कोरिलेशन काफी हाई है. देयर आर टू अंडरलाइन फैक्टर इन दिस टेस्ट फर्स्ट क्लस्टर एंड सेकंड क्लस्टर. फर्स्ट क्लस्टर इज कॉल्ड वर्बल एंड सेकंड इज न्यूमेरिकल मींस वोकैबुलरी रीडिंग एंड सिनोनिम्स आर हाईली कोरिलेटेड. सो इट इज कॉल्ड वर्बल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी अर्थमेटिक स्टूडेंट्स एंड अर्थमेटिक टीचर्स आर हाईली कोरिलेटेड दैट इज कॉल्ड न्यूमेरिकल. बहुत सारे फैक्टर में से केवल दो ही फैक्टर आए. सो फैक्टर एनालिसिस इज कॉल्ड डायमेंशन रिडक्शन. इसी के आधार पर इस फैक्टर एनालिसिस को डायमेंशन रिडक्शन मेथड कहा गया है. बिकॉज ऑफ इट्स पावर एंड एलिजेंस दिस फैक्टर एनालिसिस इज द क्वीन ऑफ मल्टीवेरिएट एनालिसिस. मल्टीवेरिएट एनालिसिस का ये क्वीन है. इसी से अंडरलाइंग अनऑब्जर्व्ड फैक्टर मालूम चलता है. इट इज कॉल्ड लेटेंट वेरिएबल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेटेंट वेरिएबल इज अनऑब्जर्व्ड अंडरलाइंग फैक्टर. देयर आर टू वेरिएबल्स अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल विच इज द लेटेंट वेरिएबल ऑब्जर्व्ड वेरिएबल विच इज मैनिफेस्ट वेरिएबल. ग्रुपिंग वेरिएबल से इसकी पहचान होती है. ग्रुपिंग वेरिएबल क्या है? ग्रुपिंग वेरिएबल वह होता है जो कुछ सेट ऑफ वेरिएबल आपस में हाईली कोरिलेटेड होते हैं. विच वेरिएबल टेंड्स टू बी क्लम्प टुगेदर मींस क्लम्प. क्लम्प मींस ग्रुप ऑफ वेरिएबल एक दूसरे से जुड़े होते हैं. इसको हम क्लम्पिंग कहते हैं. यहीं से फैक्टर एनालिसिस की शुरुआत होती है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक साथ इकट्ठा होते हैं. मींस एक नेचर वाले जो वेरिएबल्स हैं आपस में हाईली कोरिलेटेड होते हैं. तो बहुत सारे वेरिएबल्स में से कुछ वेरिएबल को हम स्क्रीन आउट करते हैं कि ए वेरिएबल हाईली कोरिलेटेड है और ए वेरिएबल कम कोरिलेटेड है. तो जो हाईली कोरिलेटेड वेरिएबल है एक क्लस्टर में दिखाई देता है. इसको हम फैक्टर के टर्म में कहते हैं. यहीं से हम फैक्टर एनालिसिस की शुरुआत करते हैं. अब मैं इसके कुछ गोल को बारे में डिस्क्राइब करना चाहता हूं कि व्हाट इज द गोल ऑफ फैक्टर एनालिसिस. फैक्टर एनालिसिस के तीन डिफरेंट गोल हैं. तीनों को मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूं. देयर आर थ्री गोल्स. फर्स्ट
to explain the maximum amount of common variable in correlational analysis. Second is to determine the data summarization, data reduction, and data analyzing. And third is to identify the dimension or to identify the factor. इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे correlation matrix में जो variable ज्यादा correlated है उसको explain करना. Second, data को summarize करना, reduction करना, कम करना और उसका analyze करना. And third, factor को identify करना. There are three specific goals. अब factor analysis इसको identify करता है. Factor analysis identify the factors. But what is the factor? How can we explain it? What is the factor? Factor is unobserved variable. That is also called latent variable. इसी को हम factor कहते हैं. यह latent हमेशा clump से इसकी पहचान होती है. So clump is also called the factor. In that case, there are two types of latent variable. First is reflective latent variable and second is formative latent variable. Reflective and formative. Reflective latent variable के अंतर्गत आपका factor analysis और formative latent variable के अंतर्गत principal component analysis. ये दो तरह के आपके इसमें variable मिले. एक तो आपका factor analysis के term में, एक आपका मिला principal component analysis. ये दो तरह की चीजें हैं इसमें. अब कभी कभी आता है कि फैक्टर एनालिसिस और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस. तो फैक्टर एनालिसिस ऑलवेज प्रोड्यूस द डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट फैक्टर्स को वो प्रोड्यूसेज करता है एंड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस प्रोड्यूस द डिफरेंट कंपोनेंट. अंतर ये है, कंपोनेंट को प्रोड्यूस करना और फैक्टर को प्रोड्यूस करना. Factor analysis also analyze the common variable. It also analyze the unique variable. And principal component analysis analyze all types of variable. ये दो basic इसके difference है, factor analysis और principal component analysis. Now I would like to explain the types of variance. There are three type of variance. बिना इसको जाने हुए हम फैक्टर एनालिसिस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएंस सच एज फर्स्ट इज कॉमन वेरिएंस, सेकंड इज स्पेसिफिक वेरिएंस एंड थर्ड इज एरर वेरिएंस. टोटल वेरिएंस इज सम ऑफ कॉमन वेरिएंस, स्पेसिफिक वेरिएंस एंड एरर वेरिएंस. तीनों को यदि हम मिला देंगे तो आपका टोटल वेरिएंस निकल जाएगा. तीनों को एक साथ यदि हम मिलाते हैं तो आपका टोटल वेरिएंस मिलता है. इसको मैं स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहता हूं. तीनों को कुछ इसमें फॉर्मूलाज हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. यहां पर ये आपके स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, इसको ध्यान से आप लोग देखिए. कॉमन वेरिएंस, स्पेसिफिक वेरिएंस एंड एरर वेरिएंस. टोटल वेरिएंस इज इक्वल टू कॉमन वेरिएंस प्लस स्पेसिफिक वेरिएंस प्लस एरर वेरिएंस. व्हाट इज कॉमन वेरिएंस? कॉमन वेरिएंस को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कॉमन वेरिएंस को हम क्या कहेंगे जो कोरिलेशन से डायरेक्ट रिलेटेड है? कॉमन वेरिएंस पोर्शन ऑफ रिलेबल वेरिएबल व्हिच कोरिलेट्स विद अदर वेरिएबल, मींस कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, दैट इज द कॉमन वेरिएंस व्हिच कोरिलेट्स विद अदर वेरिएबल. स्पेसिफिक वेरिएंस portion of reliable variable which does not correlate with any other variable, that is the specific variable by variance. And third is error variance. This is the chance variance due to error of sampling. A common variance, specific variance or error variance, is par aapke numerical bhi aate hain. Isliye common variance ko samajhna jo ek aapke correlation ko identify karta hai, jo aapas mein correlated hain, that is the कॉमन वेरिएंस. जो कोरिलेटेड नहीं है वो आपका स्पेसिफिक वेरिएंस है. जो चांस वेरिएंस है, जो दिस इज द चांस वेरिएंस, जो आपका एरर वेरिएंस है, जो किसके कारण होता है? सैंपलिंग के, सैंपलिंग में एरर के कारण ये आपके चांस वेरिएंस होता. अब रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी को भी मैंने इसमें दिखाया था. रिलायबिलिटी वन माइनस एरर वेरियंस,
इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं. सपोज कीजिए कि एरर वेरिएंस 0.3 है, तो व्हाट इज द रिलेबिलिटी? 1 माइनस 0.3 मींस 0.7 इज एरर वेरिएंस. तो कभी कभी कॉमन वेरिएंस दे देगा, पूछेगा स्पेसिफिक वेरिएंस क्या है. कभी कभी कॉमन वेरिएंस और स्पेसिफिक वेरिएंस भी दे देगा, पूछेगा कि एरर वेरिएंस क्या है. तो इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट बेसिक टर्म इन फैक्टर एनालिसिस दैट आर कम्युनलिटी, स्पेसिफिसिटी, यूनिकनेस, रिलेबिलिटी, आइगन वैल्यू, फैक्टर लोडिंग एंड परसेंटेज ऑफ वेरिएंस. इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. कम्युनलिटी क्या है, स्पेसिफिसिटी क्या है, इसको बिना एक्सप्लेन किए हुए आप समझ नहीं पाएंगे. इसको इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं. आइगन वैल्यू क्या है, फैक्टर लोडिंग क्या है, परसेंटेज ऑफ वेरिएंस क्या है, इस सब को एक्सप्लेन करना जरूरी है. इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज कम्युनलिटी? प्रोपोर्शन ऑफ कॉमन फैक्टर वेरिएंस. प्रोपोर्शन ऑफ कॉमन फैक्टर वेरिएंस इज कॉल्ड कम्युनलिटी. कम्युनलिटी इज डिफाइंड एज एच स्क्वायर. उसको हम एच स्क्वायर से डिफाइन करते हैं. इसको भी मैं दिखाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर. ये ध्यान से स्क्रीन पर देखिए, मेन स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं आपको, जिसमें कम्युनलिटी है.